हेलो फ्रेंड्स, ओपन योर वैल्यू एजुकेशन टेक्स्ट बुक एंड गो ऑन पेज नंबर 43। सो फ्रेंड्स, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन सिलेबस एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेवेंथ लेसन एंड दैट इज थिंकिंग बियॉन्ड सेल्फ। ओके, थिंकिंग बियॉन्ड सेल्फ मीन्स क्या? आत्मकेंद्रितता से अलग सोचना। Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. I.F. Kennedy. इनका एक कोटेशन है, देश आपके लिए क्या करता है ये मत पूछो, बल्कि क्या पूछिए कि आपने देश के लिए क्या किया है। ऐसे इस सेंटेंस का मीनिंग है। हमेशा हम ऐसा बोलते रहते हैं कि जब कोई दूसरा हमारे लिए कुछ करेगा तभी हम उसके लिए कुछ करेंगे, ये व्यक्ति की बात हुई। देश के प्रति भी जब हम बोलते हैं तब इसी तरह के वक्तव्य हम करते हैं कि हमको देश ने क्या दिया है, देश हमारे लिए क्या करता है। लेकिन हम इस देश के एक नागरिक होने के नाते, जो छोटे बच्चे हैं, भावी नागरिक होने के नाते, देश हमारे लिए क्या करता है ये सोचने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमने देश के लिए क्या किया है, देश की कुछ सेवा की है क्या। वैल्यू लिंक्स फॉर दिस लेसन आर सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता, कॉमन गुड मीन्स यहाँ पर हम मीनिंग ले सकते हैं कि किसी लक्ष्य के प्रति केंद्रित होना, कोऑपरेशन मीन्स सहकारिता, सहकार्य, हेल्पिंग ईच अदर, एंड नेशनल यूनिटी मीन्स राष्ट्रीय एकता और एकात्मता। टाइम टू स्टार्ट। Earlier we had learned about what is a common cause. How do you think that thinking beyond oneself is essential when one works for a common cause? जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य के प्रति काम करने लगता है तो उस वक्त उस व्यक्ति को क्यों महत्वपूर्ण होता है कि खुद के सिवा सोचना पड़ता है। हमेशा जब हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में हम हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं कि हमारा एक अच्छा घर होना चाहिए, ऑल फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए, जो कुछ भी हम काम करते हैं, जो कुछ भी ऑक्यूपेशन है हमारा, उससे हमें ऐसा लगता है कि हमें इससे पैसे मिलने चाहिए, इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलना चाहिए, यह हम हर बार अपने लिए सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद के लिए नहीं सोचते बल्कि दूसरों के लिए उनका कार्य होता है। हमने लास्ट लेसन में टेरी फॉक्स इनके बारे में देखा था, उसके बाद बाबा आमटे के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जिन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति वो एकनिष्ठ रहे और उन्होंने खुद का न सोचते हुए लोगों के कल्याण के बारे में सोचा। एवरी वंस इन अ वाइल वी डू हियर स्टोरीज अबाउट पीपल who have worked towards the common good at a great cost to themselves. Such people come from different walk of life. They could be teachers, doctors, social workers, business person or lawyers. They could even be people who walk by you on your way to school today. Jo log kisi lakshya ke prati jab kaam karne lagte hain, chahe wo kisi bhi occupation se belong karte ho, वो टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, लॉयर, इस तरह के किसी भी ऑक्यूपेशन में हो वो व्यक्ति, लेकिन वो देश के लिए, समाज के लिए काम करता है। हो सकता है कि आप जिस रास्ते से स्कूल में जाते हो वो आपके साथ चलने वाला एक कॉमन मैन हो सकता है। विद इन ईच वन ऑफ अस देयर इज़ द पोटेंशियल फॉर लुकिंग बियॉन्ड अवर ओन सेल्स। इफ वी एलो दिस पोटेंशियल इन साइड अस टू ब्लॉसम, वी विल सी द वर्ल्ड अराउंड अस विद अ डेफिनेट पर्पज एंड लुक अपॉन इट्स जॉय एंड सोरोज एज अवर ओन। जब हम हर एक के अंदर एक क्षमता होती है, पोटेंशियल मीन्स एक क्षमता होती है, आंतरिक शक्ति होती है, जब हम उसको विकसित करते हैं, उसको हमारे मन में उसका ब्लॉसम्स मीन्स उसको जब हम बढ़ने देते हैं, उसकी ग्रोथ होने देते हैं, तो हम दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं, मानने लगेंगे और दूसरों के सुख में ही अपना सुख सुनिश्चित करेंगे।
ये हर एक में क्षमता होती है, उसका विकास होना जरूरी है। वी विल देन वर्क टुवर्ड्स द कॉमन गुड, टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक गोल विच बेनिफिट्स ऑल और मोस्ट मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। इससे क्या होगा कि हम जब ये पोटेंशियल आप में विकसित होगा तो आपको क्या लगेगा कि हमारे हित के साथ जब समाज का हित होता है तो ऐसे कार्यों में आप सहभागी पार्टिसिपेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग टूवर्ड्स द गोल दैट एवरी चाइल्ड गेट्स एजुकेशन और मेडिकल केयर, सच एक्शंस विच बेनिफिट्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और इवन द कंट्री एज अ होल आर पॉसिबल ओनली बाय पर्सन्स विद कमिटमेंट। और इससे किसी भी क्षेत्र में आप काम कर सकते हो, किसी भी लाइफ के किसी भी स्पीयर में आप काम कर सकते हो। इससे जो छोटे बच्चे हैं उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल सकती है, उनको मेडिकल केयर मिल सकती है और अन्य तरीके की जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल हो सकती है। ज़रूरी किसकी है कि आपके मन में वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए और आपके मन में कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैं ये इस तरह का काम करूँगा। वी वर्क टूवर्ड्स द कॉमन गुड नॉट फॉर पर्सनल बेनिफिट और ग्लोरी, इट इज़ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एवरी पर्सन। और जब हम ऐसा काम करने लगते हैं जिससे समाज हित सुनिश्चित हो, तब हम खुद के बारे में नहीं सोचते तो समाज में के जो लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको विकसित करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट करने के लिए, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए काम करने लगेंगे। दिस इज़ वन वे ऑफ सर्विंग अवर कंट्री। यहाँ पर एक देश की सेवा करने का हमें पाथ यानी रोड बताया है। देश की सेवा करने के लिए आर्मी में जाना, बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करना, यही इम्पोर्टेंट नहीं है। देश में जो लोग काम करते हैं, अपना अपना ऑक्यूपेशन करते हैं, वो अगर प्रामाणिकता से ऑनेस्टली करें, अपने हित के साथ समाज का कम्युनिटी का हित सुनिश्चित करे, देखे, तो वो देश की सेवा ही है। बॉर्डर पर जाके देश की रक्षा करना मीन्स वो तो सेवा है, वो तो सर्विंग है, लेकिन उसके साथ स्कूल में सिखाने वाले टीचर्स, खेतों में काम करने वाले किसान, रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले पोर्टर, हमाल, टोटल जो ऑक्यूपेशंस है वो देश की सेवा ही करते हैं। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अवर कंट्री टू प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर अस, वी मस्ट ऑल्सो हेल्प विथ अवर रिसोर्सेस एंड एक्सपर्टाइज, दिस विल बी अवर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉज। हर बार हम देश के प्रति, मुझे देश ने ये देना चाहिए, अच्छे रोड्स होने चाहिए, अच्छी तरह के फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए, इस तरह की हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन जब क्लीनलीनेस की हम बात करते हैं तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नगर पालिका जो है वो साफ सफाई करती होगी, नगर पालिका मीन्स गवर्नमेंट, लोकल बॉडी है गवर्नमेंट की, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कचरा, कूड़ा कचरा ना हो, इसके लिए कोशिश करें। टोटल थिंग्स अगर हम देश पर छोड़ दें, गवर्नमेंट पर छोड़ दें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हमारे देश में जो हमारे कंट्री ने हमारे लिए जो रिसोर्सेज दिए, लैंड है, यहाँ पर हम यहाँ पर का मनी यूज़ कर सकते हैं, एनवायरनमेंट है, मिनरल्स है, इनका यूज़ करके हम हमारी जो क्षमताएं हैं उनका यूज़ करके हम देश के लिए काम कर सकते हैं और हमारे देश हित में हमारा भी कंट्रीब्यूशन, हमारा भी सहभाग दे सकते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वेयर वी कैन हेल्प इज वर्किंग टूवर्ड्स अ सेफ एंड हेल्थी एनवायरनमेंट। द टू स्टोरीज डिस्क्राइब टू डिफरेंट सिचुएशंस। आज जो हम दो स्टोरियाँ देखने वाली है, कथाएँ देखने वाले हैं, इनमें अलग अलग सिचुएशन दो परिस्थितियाँ बताई हैं। When people work towards common good and when people think only of themselves, वो दो कंडीशन, दो सिचुएशंस क्या है? ऐसे व्यक्ति जो किसी लक्ष्य के प्रति काम करते हैं, निस्वार्थ होकर काम करते हैं, देश सेवा में काम करते हैं, देश के समाज के हित में काम करते हैं, अपना हित छोड़ के, ऐसे कुछ व्यक्ति, और कुछ व्यक्ति ऐसे जो कि खुद का ही सोचते हैं, खुद की तरक्की होनी चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए, ऐसे दो लोग, उनकी स्टोरी हमें आगे के वीडियो में देखनी है। रिकग्नाइज फॉर योर सेल्फ विच शुड बी योर चॉइस, और आपको पहचानना है, चूज करना है कि इन दोनों में से आपको क्या बनना है। विच वे शुड यू चूज, इट्स योर ड्यूटी और योर ओपिनियन, वो आपका
ओपिनियन होगा कि आपको उनमें से क्या बनना है। ऐसा व्यक्ति जो देश के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है, या ऐसा व्यक्ति जो खुद के बारे में सोचता है और खुद का ही भला देखता है। सो दिस टू स्टोरीज वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।